नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। बांका, भागलपुर, मधेपुरा तो अभी की बात है, लेकिन इससे पहले जमुई, गोपालगंज और न जाने कितने ही जिले ऐसे रहे जहां पर जहरीली शराब की वजह से तांडव मचता रहा, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है और इस कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि जहां सरकार बैठती है, पूरा का पूरा सिस्टम बैठता है, सीएम खुद बैठते हैं, उसी पटना में बस 2 मिनट के भीतर ब्रांडेड शराब की बोतल तैयार कर दी जाती है। हालांकि अभी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीते समय से जब राजधानी पटना में ये सारे काम चल रहे थे, जहां पर डीजीपी बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, सीएम खुद बैठते हैं, वहां पर इस तरह का काम कैसे हो रहा था, ये सवाल तो खड़ा होता ही है। लेकिन फिलहाल हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि ये जो मामला है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है और कैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस अब तक नकली देशी शराब बनाए जाने को लेकर परेशान थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार में ब्रांडेड शराब की बोतलें तैयार की जाती हैं, 2 मिनट में उसे लेबल लगाकर इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि कोई भी नहीं कह सकता कि वो कोई ब्रांडेड शराब की, अंग्रेजी शराब की बोतल नहीं। पटना में बाकायदा इसके लिए बड़े पैमाने पर रैकेट चलाया जा रहा था। नकली विदेशी शराब बनाए जाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सबसे खास बात ये कि नकली शराब की बोतल 2 ही मिनट में तैयार हो जाती थी और बिल्कुल असली ब्रांडेड शराब की तरह ही लगती थी। इस नकली शराब की बोतल पर पता पश्चिम बंगाल और हरियाणा निर्मित बारकोड लिखा होता था। पटना पुलिस ने रविवार को इसका खुलासा किया है देर शाम को। दरअसल शनिवार की रात शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक शख्स बबलू कुमार को पटना पुलिस ने पकड़ लिया था। उसकी स्कूटी की डिक्की से अंग्रेजी शराब की 2 बोतलें पकड़ी गई। पुलिस की छानबीन में यह बात निकलकर सामने आई कि पकड़ा गया बबलू नकली शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है और वो इसका पता बता सकता है। पूछताछ में गिरफ्तार होम डिलीवरी बॉय ने पुलिस को नकली शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह के बारे में पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने पत्रकार नगर, आलमगंज और गौरीचक इलाके में छापेमारी कर फैक्ट्री और गोदाम का पता लगाया। शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह द्वारा इस फैक्ट्री में मोटी रकम लगाई गई थी। शराब की होम डिलीवरी करने के लिए लग्जरी गाड़ियों और स्कूटी के माध्यम से डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल किया जा रहा था। गिरफ्तार होम डिलीवरी बॉय की निशानदेही पर पत्रकार नगर के विजयनगर से अरविंद मिश्रा के अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाए जाने से संबंधित रॉ मटीरियल जब्त किया गया। पुलिस ने इस कड़ी में अरविंद मिश्रा को तत्काल के लिए गिरफ्तार किया है। इसके बाद गौरीचक में छापेमारी कर 3 मंजिला मकान में चल रही शराब की फैक्ट्री से स्पिरिट और होम्योपैथ की दवाइयां जब्त की गई है। इसके बाद पुलिस ने गोदाम के मालिक सनी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में पटना सिटी के खाजे कला से संजय कुमार के गोदाम में छापेमारी कर हजारों बोतलें बरामद की गई, जिनमें शराब की पैकिंग होती थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न तरह के उपकरण और रॉ मटेरियल को जब्त किया है। इनमें जब्त किए गए इंपीरियल ब्लू 9 के बोतल, रॉयल स्टैग के 220 बोतल, 1 लीटर गाढ़ा रसायन, रॉयल स्टैग शराब की बोतल के 674 पीस समेत कई चीजें बरामद हुई है। बिहार में शराब का धंधा तो चल ही रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन राजधानी पटना में अब विदेशी शराब का भी धंधा शुरू हो गया है। लेबल लगाकर मात्र 2 मिनट में शराब को तैयार कर लिया जाता है और इसकी होम डिलीवरी यहां से वहां की जाती है। सरकार की नाक के नीचे ये काम होता रहा, फिलहाल गिरफ्तारी शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या पुलिस यहीं पर थम जाती है या फिर इसकी निशानदेही पर अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर इस रैकेट का भंडाफोड़ करती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।